प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज से मैं दर्पण और क्रोनिकल, फरवरी का दर्पण और क्रोनिकल, जैसे उसे करेंट अफेयर्स है, जो भी क्रोनिकल और दर्पण का करेंट अफेयर्स है, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं डालूंगा। दो दिन लगभग, दो या तीन क्लास दर्पण और क्रोनिकल का करेंट अफेयर्स होगा। अब मुख्य क्वेश्चन, इसके साथ साथ बिहार का भी, इसके साथ साथ हिंदू पेपर का एनालिसिस और शास्त्री जी के 11 जनवरी को पुण्यतिथि मनाई गई, उस पर 2-3 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 भारतोदय दर्पण, ब्रिटेन के किस पूर्व पीएम को 2022 का नाइटहुड की उपाधि सम्मानित किया गया? टोनी ब्लेयर। नेक्स्ट, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थानांतरित करने का विधेयक पारित हुआ? बोर्नियो द्वीप। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में 3 सबसे कम भ्रष्ट देश कौन कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। भारत का स्थान 85 है। सर्वाधिक भ्रष्ट देश है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति का अनंतिम दर 2021 के अनुसार कितना था? 13.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सीओ बैंक के सीएमडी असा सीओ किसको नियुक्त किया गया? सोमा शंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट, पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? आयशा मलिक। भारत सरकार के नए प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन बने? श्री अनंत नागेश्वरम। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चे को दिया? 29 बच्चे को, जिसमें लड़कों की संख्या 15 और लड़कियों की संख्या 14 है। नेक्स्ट, बिहार के कितने बच्चे को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार के 2 बच्चे को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फर्स्ट, धीरज कुमार सेवा में। सेकेंड, पल्लवी साक्षी समाज सेवा। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निकोल किडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म अलंकरण पुरस्कार 2022 पद्म विभूषण 4 व्यक्ति को मिला। फर्स्ट, सुश्री प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट, सेकेंड, श्री राधे श्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा। नेक्स्ट, जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा। नेक्स्ट, कल्याण सिंह मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स, यानी 4 व्यक्ति को। पद्म विभूषण कितने लोग को मिला? 17 व्यक्ति को और पद्म श्री 107। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द ईयर पुस्तक है यहकार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। नेक्स्ट, इंडिया बैडमिंटन 2022 पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन, महिला विजेता बुसनानन ऑंग बांग सुंग पांग। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल स्पेन के, और उपविजेता है डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं। अब हम बिहार के क्वेश्चन पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़े। बिहार क्वेश्चन, बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 2.86%। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बड़ा माप। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या का 10% वृद्धि 25.1%। नेक्स्ट, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? तसीभर। सर्वाधिक कर्म जिला गया। बिहार में साक्षरता दर 61.1% है, मेल की साक्षरता दर 71.2% है और फीमेल के 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास 73.4%, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया 51.1%। बिहार का 38वां जिला अरवल। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सी है? किशनगंज। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है?
5 अक्टूबर संथाल विद्रोह 1855-56 प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू, चारों भाई थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव। नुनिया विद्रोह 1770 से 1800 में नुनिया विद्रोह हुआ था और नुनिया विद्रोह का केंद्र था वैशाली था, इसके बाद मुजफ्फरपुर था, इस पूर्णिया था, इस इलाके में नुनिया विद्रोह चला। आपको बिहार प्लस हिंदू बिहार प्लस प्रत्युत्तर फरवरी का मैंने क्वेश्चन पढ़ा। नेक्स्ट हिंदू पेपर और अन्य पेपर, आज हिंदू पेपर नहीं आया इसलिए क्योंकि हिंदू पेपर बंद था, इसलिए अन्य पेपर का स्रोत है भितरकनिका नेशनल पार्क, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिया गया है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है? ओडिशा में है। तो अभी चर्चा में भितरकनिका नेशनल पार्क क्यों है? तो अभी चर्चा में भीतर नेशनल पार्क इसलिए है कि इसमें पक्षियों की गणना किया गया, पक्षियों की गणना किया गया तो 2000 पक्षियों की संख्या में वृद्धि हो गई, वृद्धि हुई है। 2021 में भितरकनिका नेशनल पार्क में 138,160 पक्षी थे, लेकिन 2022 में इसकी गणना किया गया तो 140,000 पक्षी पाए गए, लेकिन प्रजाति की स्पेसिस की संख्या में भितरकनिका अभ्यारण में कमी आई है। 2021 में स्पेसिस कितने थे? 144, लेकिन 2022 में घटकर कितना गए? 140। एक क्वेश्चन और है, घड़ियाल कहाँ पाया जाता है? तो चंबल नदी में, इसको आपको दिमाग में रखिएगा। एक क्वेश्चन और है, नेशनल साइंस डे 2023, नेशनल साइंस डे 2023 का थीम याद रखिएगा ग्लोबल साइंस, ग्लोबल विल बी, ग्लोबल साइंस ग्लोबल विल बी, किसका थीम है? नेशनल साइंस डे 2023 का थीम है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई संजीवनी क्या है? ऑल इंडिया रेडियो द्वारा लॉन्च किया गया ई संजीवनी, ई संजीवनी 9 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं। इसके तहत टेली मेडिसिन, अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर को फोन के माध्यम से या अन्य माध्यम से पूछ के दवाई चलाना, उसी को कहा जाता है टेली मेडिसिन। आपको ई संजीवनी ओपीडी, ई संजीवनी ओपीडी, ई संजीवनी ओपीडी कब आया? 2020 में आया, कोविड-19 के दौरान ई संजीवनी ऐप, ई संजीवनी ओपीडी 2020 में आया, माने कोई भी रोगी डॉक्टर से फोन पर सलाह ले सकता है। ये आया कब? 2020 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको शास्त्री जी के विषय में कुछ अब जानकारी देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है आपको 11 जनवरी को, जो जनवरी बीता 11 जनवरी, तो फिर हम थोड़ा सा विलंब हो गया इस पर तैयार करने के लिए, तो मुझे दिमाग में आया कि शास्त्री जी के विषय में कुछ बता दे। शास्त्री जी का जन्म हुआ था अभी 11 जनवरी को, क्या मनाई गई? पुण्यतिथि। शास्त्री जी का जन्म हुआ था आपको 2 अक्टूबर 1904 मुगलसराय में, इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 ताशकंद में मृत्यु हुई थी। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके पीछे कुछ घटना भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में जान लीजिए, देश की आजादी मिला था 1947 में, चाइना की आजादी मिला था 1949 में, जो ही देश की आजादी मिला तो हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा और उस क्षेत्र को एक समझौता हुआ, नेहरू ने समझौता किया था और समझौते के तहत पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को दिया गया, जम्मू कश्मीर का 2/3 एरिया भारत को दिया गया था, जम्मू का जो 370 धारा हटाया गया। फिर बाद में घटना घटती है आपको, फिर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के काल में ही चाइना भारत पर आक्रमण करता है 1962 में। चाइना जब भारत पर आक्रमण करता है उस समय देश की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, देश का स्थिति बहुत खस्ता हाल था, आधा व्यक्ति भोजन के लिए ललायित थे, अनाज नहीं मिलता था। तो वैसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व के भ्रमण पर थे और देश से कह रहे थे, दुनिया से कह रहे थे कि हमको अनाज दीजिए, गेहूँ दीजिए। तो उसी दौरान अमेरिका ने गेहूं दिया था, वैसे गेहूं दिया था PIL कानून के तहत, तो जो गेहूं जानवर को खिलाया जाता था वैसे गेहूं दिया, कौन दिया? अमेरिका दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1962 में
चाइना भारत पर हमला किया। और चाइना भारत पर हमला किया तो बहुत भारत का क्षेत्र अपने पास रख लिया, जो अक्साई चीन। इसके बाद अकस्मात इनकी मृत्यु हो जाती है, पंडित नेहरू की मृत्यु हो जाती है। पंडित नेहरू की मृत्यु होती है 9 जून 1964। आज युद्ध समाप्त हुआ था 20 नवंबर 1962। 20 नवंबर 1962 का युद्ध समाप्त हुआ, 9 जून 1964 की मृत्यु हो गई। 9 जून 1964 की मृत्यु के बाद देश में आए दूसरा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो सेकेंड प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को चयन किया गया। लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में चयन हुए, लेकिन उस समय भी देश की स्थिति काफी दयनीय थी। लेकिन दुर्भाग्यवश कभी शास्त्री जी सोचे नहीं थे कि पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। पाकिस्तान और भारत का 1965 में युद्ध हुआ था। इसी में रशिया हम लोग और सोवियत रूस यूएसएसआर हम लोग को साथ था। ताशकंद में समझौता हुआ अयूब खान और शास्त्री जी के बीच। अमूमन कोई भी प्रधानमंत्री जाता है तो अपने साथ रसोईया लेकर जाता था। उनके साथ जो रसोईया था उस समय रामनाथ, जो खाना बनाता था। ताशकंद में शास्त्री जी और अयूब खान के बीच समझौता होता है और ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। लेकिन समझौता के 12 घंटे के बाद ही शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो ही समझौता पर साइन करते हैं शास्त्री जी, तो मृत्यु का अभी तक भी रहस्य बना हुआ है। कोई कहता है कि हार्ट अटैक हुआ, कोई कहता है कि जहर खिलाकर मार दिया, अभी तक रहस्यमय बना है। लेकिन एक पुस्तक है कुलदीप नैयर का, जो उस समय सूचना सलाहकार थे, उनके पुस्तक का नाम बियॉन्ड द लाइन। बियॉन्ड द लाइन में उन्होंने लिखा, कुलदीप नैयर ने लिखा कि जिस समय जो उनको खाना बनाता था रामनाथ, तो जिस दिन की मृत्यु हुई थी उस दिन रामनाथ खाना नहीं बनाया था, वो दिन खाना रहा था जॉन मोहम्मद। कौन बनाया था खाना? जॉन मोहम्मद। उस रात में जॉन मोहम्मद को खाना बनाया था। खाना बनने के बाद रशियन महिला आई थी। और रशियन महिला कौन थी? खाना टेस्ट करने वाला, खाना को चेक करने वाला, आई फिर चली गई। फिर प्रश्न उठता है कि जब खाना चेक कर शास्त्री जी को दी गई तो फिर मृत्यु कैसे हुई? तो इस पर रहस्यमय बना हुआ है। तो शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, शास्त्री जी की कुछ कहानी। जब वह ताशकंद में समझौता पर साइन किए थे, लाहौर प्रदेश को भी हम लोग भारतीय सेना जीत लिया था। भारतीय सेना पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से को जीत कर अपने पास रख लिया था, लेकिन उन्हें जब समझौता हुआ तो वापस कर देना पड़ा और अपने पूर्वत सीमा है वहां पर आना पड़ा। जब इस समझौता हुआ तो शास्त्री जी ने पहला फोन अपनी बेटी को किया था। बेटी ने इनको कड़ा जवाब दिया था कि पापा इन ढंग से समझौता करके आपने सही नहीं किया। और जब अपने पत्नी का भी कंसेंट पूछे थे अपनी बेटी से, तो पत्नी का भी कंसेंट कहा कि पत्नी भी के विषय में उसकी बच्ची ने बोली वो भी अच्छा नहीं मानती है कि समझौता करके। उस समय उनकी आलोचना हुई थी, यहाँ तक कि जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने ताशकंद समझौता को आलोचना किया था शास्त्री जी का, जो शास्त्री जी ताशकंद समझौता वहां पर किए थे। शास्त्री जी के अनसुनी कहानियां हैं। शास्त्री जी लंबाई में मात्र 5 फीट 2 इंच के थे, छोटे कद के जवान थे। बचपन में उनके प्यार से नन्हा काके पुकारा जाता था शास्त्री जी। उनके पिता का नाम था अनिल शास्त्री, तो उनको नन्हा करके पुकारा जाता था शास्त्री जी को। तो शास्त्री जी ताशकंद समझौता करने के लिए जा रहे थे, तो उनके पास फटा हुआ धोती था। वो धोती सिया हुआ धोती था। तो उनकी पत्नी देखकर कहे कि आप भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, आई फटा हुआ धोती को सी का पहन कर जाते हैं। तो इन्होंने पत्नी को क्या जवाब दिए थे जानते हैं? पत्नी को जवाब दिए थे कि अयूब खान लंबा है, हम छोटा हूँ, हम सीना तान के बात करेंगे, अयूब खान गर्द सरनमा के बात करेगा। पहले ये कहानी है। दूसरी कहानी, एक फिर शास्त्री जी रसिया गए हुए थे। रसिया में सोवियत रूस में काफी ठंडे पड़ता है और सोवियत रूस में काफी ठंडा पड़ता है। तो उस समय सोवियत रूस के प्रधानमंत्री जब शास्त्री जी को देखा तो मात्र एक उन्हीं का कोट पहने हुए थे तो शास्त्री के साथ जो गया था सलाहकार, उसको चुपके से एक गर्म कोट दे दिया
और कहा कि शास्त्री जी कल आवे तो इस कोट को पहना देना, क्योंकि आगे भी हम लोग को जाना है, वहां अधिक ठंडा है। जब फिर सिकेंद्र सिंह शास्त्री जी उस पीएम के सामने वार्ता के लिए आए तो वो कोट पहन के नहीं आए। तब पीएम ने रसिया पीएम ने उनसे पूछा क्यों नहीं कोट पहन के आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो साथ आया है उसका तो कोट भी नहीं है, अधिक ठंडा है, उसको दे दिए थे। शास्त्री जी की एक कहानी। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी शास्त्री जी के पास न कोई अपना घर था, न कोई अपनी गाड़ी थी। शास्त्री जी के पास क्या था, सरकारी एक खरीदे थे, सरकारी पैसे से गाड़ी खरीदे थे। एक दिन की बात, उनकी पत्नी बीमार पड़ी, ड्राइवर उनको इलाज कराने के लिए ले गया। शास्त्री जी ड्राइवर पर काफी गुस्सा हो गया, ड्राइवर से पूछे कि इसमें तेल कितना खर्च हुआ है, और उन्हें सरकारी खजाना में उतना तेल का पैसा उन्होंने जमा किया था। कहा कि सरकार मुझे गाड़ी देती है, और कभी भी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं कहा, और उन्होंने कहा सरकारी सेवक के रूप में कहा। उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि आधे भारतीय लोग भूखे रहते हैं, एक शाम संध्या खाना घर में नहीं बनना चाहिए, सप्ताह में तो एक दिन चूल्हा ही नहीं जलना चाहिए। उनकी बात को भारतीय लोग ने माना था, और उनकी बातों पर ऐसा कहा था जय जवान जय किसान। इसके बाद उस 1965-66 में हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति के बाद जानते हैं कि सरप्लस प्रोडक्शन हुआ देश में। तो शास्त्री जी के विषय में अनसुनी कहानी। भारत में दो व्यक्ति का जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाता है, शास्त्री जी और गांधी जी का। लेकिन शास्त्री जी के पुण्यतिथि ये भी 11 जनवरी है, और उसी दिन की ताशकंद में मृत्यु हुई थी। अब शास्त्री जी पर आपको कुछ कहानी में ये स्मरण था, उस स्मरण कहानी को आपको सुनाए और शास्त्री जी के विषय में कहे। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, बहुत देश के कर्मठ प्रधानमंत्री, उनको देश के विकास के लिए और किसान के लिए याद किया जाता है। मेरे दोस्त, अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करेंगे, और लाइक के साथ सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। इसके साथ साथ कंटिन्यू रूप से प्रतियोगिता पर क्रॉनिकल और बिहार प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन लगभग करेंट अफेयर्स और बिहार का क्वेश्चन दोनों मिलाकर मैंने डाला। इसके बाद हिंदू का दो क्वेश्चन, हिंदू तो नहीं था, अन्य पेपर का जो कलेक्शन हुआ का उसको मैंने डाला। शास्त्री के विषय, शास्त्री जी के विषय मैंने बोला। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।